यूपी विधानसभा चुनाव में चायल सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और दो बहार शहर पश्चिमी से विधायक रही पूजा पाल ने पहली बार अपने दूसरे पति का नाम उजागर किया है। समाजवादी पार्टी के टिकट से चायल विधानसभा सीट से मैदान में उतरी पूजा पाल ने नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में पति का नाम ब्रजेश वर्मा लिखा है, साथ ही अपना पता मल्लावा मेहंदीखेड़ा गोशवा जनपद हरदोई बताया है। शहर में कटघर मोहल्ले की मूल निवासी पूजा पाल की शादी जनवरी 2005 में शहर पश्चिमी के तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल से हुई थी। विवाह के 11वें दिन ही राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूजा ने अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती आई थी और पूजा पाल के आंसू पोंछते हुए उन्हें टिकट दिया था, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो बसपा ने पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन तब पूजा पाल को अशरफ से हार का सामना करना पड़ा था। फिर 2007 में विधानसभा चुनाव में वह शहर पश्चिमी से बसपा की विधायक चुन ली गई। इसके बाद उन्होंने 2012 में दोबारा इस सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि 2017 में उन्हें भाजपा की लहर में सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने हार झेलनी पड़ी। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। इधर 2 वर्षों पहले उनकी दूसरी शादी की बात सामने आने लगी। इसे लेकर पूजा पाल कभी खुलकर नहीं बोलती थी। अभी पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर उनकी दूसरी शादी की फोटोज भी वायरल हुई थी, तभी उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शनिवार को चायल विधानसभा सीट से उन्होंने सपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। इस दौरान जो हलफनामा दिया गया उसमें पति के कॉलम में ब्रजेश सिंह का नाम लिखा। अपने धूमनगंज स्थित उमर पूर्णिमा के पते के स्थान पर नया पता मल्लावा मेहंदीखेड़ा गोशवा हरदोई दर्ज किया है। यानी यह बात साफ हो गई है कि पूजा पाल ने दूसरा विवाह कर लिया था लेकिन इसे गोपनीय रखा था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ हांत की रिपोर्ट।